राजधानी भोपाल में नगर निगम में महापौर का पद ओबीसी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इस निर्णय ने बीजेपी और कांग्रेस महिला ओबीसी नेताओं की बल्ले बल्ले कर दी है। बीजेपी से जहां विधायक कृष्णा गौर तो वहीं कांग्रेस से पूर्व महापौर विभा पटेल मेयर पद की रेस में सबसे आगे बताई जा रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। निकाय चुनाव को लेकर भोपाल में बड़ी सियासी सरगर्मी। आरक्षण के बाद महिला ओबीसी नेताओं की बल्ले बल्ले। मेयर पद के पुरुष दावेदारों के मुरझाए चेहरे। बीजेपी की तरफ से कृष्णा गौर तो कांग्रेस की तरफ से विभा पटेल रेस में है सबसे आगे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही दावेदार सक्रिय हो गए हैं। भोपाल नगर निगम सीट महिला ओबीसी होने के साथ ही कई पुरुष दावेदारों के चेहरे मुरझा गए हैं। महापौर के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता तैयारियों में जुटे थे। उधर महिला ओबीसी सीट होने के बाद दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार सक्रिय हो गए हैं। इस आरक्षण प्रक्रिया को लेकर वर्तमान में गोविंदपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व महापौर कृष्णा गौर इस निर्णय के बाद बेहद खुश नजर आई, क्योंकि वह ओबीसी वर्ग में आती हैं। कृष्णा गौर पहले भी भोपाल महापौर रह चुकी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व महापौर विभा पटेल को इस पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि मेयर पद के लिए उचित प्रत्याशी का चयन पार्टी नेतृत्व करेगा, वहां से जो भी निर्णय आएगा सभी के लिए मान्य होगा। देखिए, नगर निगम भोपाल में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। अब चूंकि मैं जिस वर्ग से आती हूँ वह भी ओबीसी ही है, और इस कारण स्वाभाविक रूप से सबकी नज़रों में यही है कि ओबीसी महिला के रूप में आप बहुत ही प्रबल दावेदार होंगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी में और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ओबीसी वर्ग से आती हैं, और किसी के भी बारे में जब भी कोई निर्णय होगा वो हमारा प्रदेश संगठन सामूहिक नेतृत्व सामूहिक निर्णय के माध्यम से करेगा, और इसलिए जब सामूहिक निर्णय होगा तो वह फैसला बाहर आएगा और वो हम सबको मान्य होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, पार्टी संगठन से बहुत अच्छा निर्णय हमको सुनने को मिलेगा। नहीं, देखिए, मेरी पार्टी ने जब भी कोई आदेश मुझे दिया है मैंने बहुत निष्ठा के साथ पार्टी के हर आदेश को शिरोधार्य किया है, और भविष्य में भी मेरी पार्टी जो भी आदेश मुझे देगी उस आदेश को मैं शिरोधार्य करके उस पर अमल करने का काम करूँगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी को लेकर पूर्व महापौर विभा पटेल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो जरूर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमलनाथ सरकार के दौरान हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। देखिए, ओबीसी महिला के लिए भोपाल की सीट आरक्षित हुई है, और निश्चित तौर से जब हम लगातार कांग्रेस में या किसी भी दल में राजनीतिक दल में काम करते हैं तो हमारी राजनीतिक इच्छाएं भी होती हैं, और हम लोग चाहते हैं कि पार्टी हमें मौका दे, और ये तो चयन हमारे नेतृत्व को करना होता है, पार्टी को करना होता है कि वो किसे उपयुक्त समझती है और किसे मौका देती है। देखिए, मैंने तो पहले भी डायरेक्ट चुनाव में ही
हम लोग सफल हुए थे, सुनील सूद जी सफल हुए थे, मैं स्वयं भी डायरेक्ट चुनाव में ही सफल हुई थी। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो अथवा प्रत्यक्ष, कांग्रेस तैयार है। हमारे जो मुख्यमंत्री रहे माननीय कमलनाथ जी ने जो काम किए थे उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर से जनता हमें आशीर्वाद। कुल मिलाकर राजधानी भोपाल में निगम चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में भोपाल मेयर का ताज इन दो पूर्व महापौरों में से किसी एक के सिर सजता है या फिर पिक्चर में किसी नए खिलाड़ी की एंट्री होती है, आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।